नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या फोटोशॉप में, चाहे आपके पास कोई सा भी फोटोशॉप हो, आप उसमें किसी भी फोटो या किसी भी इमेज पर टेक्स्ट यानी अपना नाम या कुछ और लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे हमारी खाली लेयर है, फिलहाल हमने बैकग्राउंड लिया है आपको दिखाने के लिए। हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो हमने कलर यहाँ पे चेंज कर लिया है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लगाना चाहते हैं अपने नाम का, विकास वर्मा। तो इसके लिए आपको अपने जो टूल्स हैं आपको उन पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा टी, टी फॉर टमाटो वाला टी दिखाई देगा, आपको टी दबाना है यानी इस पर क्लिक कर देना है। इसकी शॉर्टकट की टी होती है सिर्फ, तो हम दबाते हैं और यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आपके पास आएगा। तो यहाँ पे आप जहाँ पे भी मतलब टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं आपको वहाँ पे क्लिक करना है, एक बार क्लिक करना है आपको, फिर आपके पास लाइन आ जाएगी। तो हम यहाँ पे अपना डालते हैं नाम विकास वर्मा, तो नाम आ चुका है। शायद ये आपका बहुत छोटा है, आपको दिखाई ना दे, तो यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है। पहले हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसे आपको बड़ा कर लेना है, मतलब अपना जो टेक्स्ट का साइज है वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ऊपर की तरफ से आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन हमें कई सारे मिल जाएंगे। आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें आपको सिर्फ नंबर डालना है और आपको जो टेक्स्ट का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। तो हमारे टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया है, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ से कलर भी हम इसे चेंज कर सकते हैं, हम इसका कलर ब्लैक कर देते हैं और इसे फिर को लेयर पे क्लिक कर देना है बाहर, और आपका जो ऐड नाम है वो ऐड हो जाएगा और आप इसे यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।